हेलो एवरीवन, वेलकम टू संहिताज एकेडमी। और आज के सेशन में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो 2018 से लेकर 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने अरेंज करके रखा है। टोटल 30 क्वेश्चंस है, तो आपका काम रहेगा कि आप तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको 30 में कितना मिल रहा है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so the first question of today's session is, a material M was heated in a spoon and immediately put in a gas jar and was covered. So, एक material है जिसको M कहा गया है, उसको spoon में heat किया गया है और वैसे ही उसको जल्दी से gas jar में डाल के उसको cover कर दिया है. Small amount of water was added to the jar and the solution was tested with blue litmus paper. So, वो जो जार गैस जार में ढक के रख दिया था ना, कवर्ड करके रख दिया था, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया गया और अभी जो सोल्यूशन मिला उसको ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखा गया। द पेपर टर्न्ड रेड। सो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। मटेरियल एम कुड बी, तो एम कौन सा हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे हमको हिंट यहाँ पे लिटमस कलर के चेंज होने में ही मिल गया। ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न कर गया, मतलब क्या है कि वो जो चीज है वो एसिडिक नेचर की है और हम क्या जानते हैं जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही मेटल्स है और हम जानते हैं मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सल्फर, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ओके, और अगर उसका एक सॉल्यूशन भी बने तो उस सॉल्यूशन का नेचर भी क्या होगा, एसिडिक ही होगा और एसिडिक चीजें क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती है उसका कलर। सो हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सल्फर ही होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको कहा गया है, वाई डज अ मेटल डोर नॉब फील कूलर देन अ सिमिलर प्लास्टिक नॉब ऑन अ कोल्ड डे। सो आपने देखा होगा दरवाजे पे जो गोल एक नॉब होती है, ठीक है, वो मेटल की नॉब अगर हुई तो वो नॉब जो है वो ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडा फील होता है, बट अगर डोर में प्लास्टिक नॉब है तो वो उतना ठंडा फील नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम क्या जानते हैं मेटल की जो एक प्रॉपर्टी है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम जानते हैं ना, और नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो पहले में कहा गया है कि मेटल इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, ये नहीं होगा, बोल रहे कि मेटल जो है वो हीट अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू प्लास्टिक, बट ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा है जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, ये वाला सही है कि मेटल प्लास्टिक के कंपैरिजन में बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। प्लास्टिक इज बेटर रेडिएटर ऑफ हीट देन मेटल, ये भी नहीं होगा। प्लास्टिक इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ हीट देन मेटल, ये भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। हिंदी वालों के लिए भी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर है। ओके, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमको एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ किसको मैच करें। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर हमको कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या कोई कंपाउंड दी गई है और उनको हम कैसे स्टोर करते हैं उसके साथ हमको मैच करना है। तो अगर आपने मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो कंटेंट का वीडियो है, मतलब जहाँ पर मैंने नोट्स आपके साथ डिस्कस की है उस चैप्टर की, तो अगर आपने देखी होगी तो आपने आप जानते हैं कि जो सोडियम मेटल है उसको हम केरोसिन में रखते हैं स्टोर करके, राइट? तो सोडियम जाएगा ए के साथ। फॉस्फोरस जो है उसको हम अंडर वाटर रखते हैं, क्योंकि सोडियम और फॉस्फोरस दोनों ही हाईली रिएक्टिव इन एयर है। सो फॉस्फोरस को हम अंडर वाटर रखते हैं तो ये जाएगा बी के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पेलेट्स है इसको हम प्लास्टिक बॉटल में रखते हैं तो ये सी जाएगा 2 के साथ। और जो डी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को हम ग्लास बॉटल में रखते हैं तो डी जाएगा 1 के साथ।
तो उस हिसाब से ए जा रहा है 4 के साथ, और ए 4 के साथ सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही जा रहा है, बी जा रहा है 3 के साथ, सी जा रहा है 2 के साथ, डी जा रहा है 1 के साथ, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हिंदी वालों के लिए भी जो ऑप्शन नंबर 2 है वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करना मतलब क्या है, इस चीज की नेचर कैसी है, बेसिक है। दिस सॉल्यूशन आल्सो यूज्ड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं उसके प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए भी इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। तो हम क्या जानते हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। लाइम वाटर में कौन सा मेटल रहता है, लाइम वाटर में रहता है कैल्शियम। ओके, सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो है कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट है। इसीलिए जो लाइम वाटर है वो मिल्की नजर आती है, दूध जैसा कलर हो जाता है। ओके, सो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैल्शियम। हिंदी वालों के लिए भी जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अ कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। सो कॉपर यानी कि तांबे के जो वेसल्स होते हैं, ठीक है, तांबे के जो बर्तन होते हैं या कोई भी चीज होती है, वो अगर ऐसे ह्यूमिड एयर के कॉन्टैक्ट में बड़े दिनों से रहे तो उसके ऊपर एक हरी रंग की परत पड़ जाती है बाहर के सरफेस में। द ग्रीन मटेरियल इज, तो ये जो हरा मटेरियल है ये क्या है एक्चुअली। तो अगर आपने अगेन मेरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो वीडियो है जहां पर मैंने जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझाया है वो अगर देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। वो ग्रीनिश मटेरियल जो है उसमें दो चीजों का मिश्रण है, वो क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। सो हिंदी वालों के लिए भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस दी गई है, उनमें से जो सही उत्तर है वो हमको चूज करना है। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सोडियम एंड फास्फोरस दोनों को ही केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, ये गलत है। फिर कहा जा रहा है कि सोडियम एंड फास्फोरस दोनों को ही पानी में स्टोर किया जाता है, ये भी गलत है। फिर तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है और फास्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल वेयरएज फास्फोरस इज स्टोर्ड इन एयर, फिर तो आग पकड़ लेगा फास्फोरस, तो ये गलत है। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और हिंदी वाले आप भी इसको पढ़ के इसका जो सही उत्तर है वो देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो चार ऑप्शंस में से हमको अगेन जो सही उत्तर है, सही करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। तो ये हमको रिएक्टिविटी सीरीज से पूछी गई है। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज का वो जो सेंटेंस है वो याद कर लिया होगा तो आप आराम से इसको अभी आंसर कर पाएंगे। बट ये जो पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला जो ऑप्शन है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम की पोजीशन जिंक के भी ऊपर है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन। सो ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आयरन की जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कॉपर के ऊपर है, तो कॉपर तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट सोल्यूशन से, तो ये भी नहीं रहा। एल्यूमिनियम कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो एल्यूमिनियम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम आयरन को नहीं हटा पाता है फ्रॉम फेरस सल्फेट सोल्यूशन, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम की जो लोकेशन है या जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो आयरन के ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिस भी मेटल का पोजीशन ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। मोस्ट रिएक्टिव मतलब क्या, उस मेटल के कंपैरिजन में वो हाईली रिएक्टिव होता है, और जो हाईली रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को हटा सकता है।
ठीक है, तो उस हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। बाकी रह जाता है हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि इसका सही उत्तर है। आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन की पोजीशन कॉपर के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, बट कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। बट आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता एल्यूमिनियम सल्फेट से क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम के नीचे उसकी पोजीशन है, तो वो एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी कम है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। सो सही उत्तर होगा इसका थर्ड ऑप्शन हिंदी वालों के लिए भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड हूज सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू मतलब इसकी नेचर क्या है, बेसिक है। तो हमको क्या करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सल्फर है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही नॉन मेटल्स है। और हम जानते हैं नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिक नेचर बताया गया है, तो वो सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम का ही होगा क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक्स इट सूटेबल फॉर मेकिंग फॉयल्स फॉर रैपिंग फूड। सो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम फॉयल्स का इस्तेमाल होता है खाना वगैरह जब भी हम टिफिन में देते हैं अपने बच्चों को या कोई जॉब में जाता है तो उसको रैप करने में हम एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी उसका फॉयल बनाने में मदद करती है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम है तो मेटल, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर तो ऑफ हीट है ही, बट ये वो प्रॉपर्टी नहीं है जो उसकी पतली शीट्स बनाने में मदद करे, तो ये वाला नहीं होगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये वाला भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इट फॉर्म्स यूजफुल अलॉयज, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हम जानते हैं कि मेटल्स को पीट पीट के पतले थिन शीट्स में हम जो कन्वर्ट करते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की वो कहलाती है मेलिएबिलिटी, मतलब मेटल्स आर मेलिएबल। सो एल्यूमिनियम का हम फॉयल क्यों बना पा रहे हैं, बिकॉज इट इज हाईली मेलिएबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर ये बहुत ही आघात वर्ध्य है, ओके ये उसका सही उत्तर होगा हिंदी वालों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एलिमेंट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एलिमेंट एक्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ गैस विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड दैट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। द एलिमेंट एक्स इज, तो यहाँ पे हमको एलिमेंट एक्स पता करना है। तो देखिए हमको क्या कहा गया है, एक्स जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये नॉन मेटल जैसा लग रहा है। दूसरा क्या बोला है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो ये ऑक्साइड बनाता है वो जब पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक इन नेचर है, जिस वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, ठीक है, जो मैग्नीशियम है ये तो मेटल है, तो हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो ये पहले से ही हट गया, ओके। कार्बन को हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि कार्बन का जो एलोट्रोप है वो है वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वो एक एक्सेप्शन है। सो कार्बन भी यहाँ पर हट गया, बच जाता है नाइट्रोजन और सल्फर। सो नाइट्रोजन और सल्फर में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आउट ऑफ टू एंड फोर, कोई भी एलिमेंट एक्स हो सकता है। बट मैंने इंटरनेट पे देखा था तो वहाँ पे कह रहे थे क्योंकि सल्फर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने सल्फर को इसका सही उत्तर बताया हुआ है। नाइट्रोजन का जो ऐसा दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता ना यहाँ पे, तो उसके चलते बोल रहे हैं कि वो कंडक्ट कर सकता है। बट मैंने नेट पे ये सर्च किया था तो कहा था कि नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए मैं टू और फोर दोनों ऑप्शन को ही इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मान के चल रही हूँ। सो टू एंड फोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हमको यहाँ पर चार रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। रिएक्शन विल टेक प्लेस इन, रिएक्शन किस में, आउट ऑफ ए बी सी डी किस में रिएक्शन होगा। सो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमको एल्यूमिनियम का एक सॉल्ट दिया गया है और यहाँ पर जिंक है, तो क्योंकि जिंक की जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो एल्यूमिनियम के नीचे है, तो जिंक एल्यूमिनियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस वाले में तो रिएक्शन होने से रहा।
सेकंड वाले में भी वही है कि जो आयरन की पोजीशन है वो एल्यूमिनियम से नीचे है, तो वो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सॉइल से नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। सी में जो आयरन है उसकी पोजीशन कॉपर से ऊपर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिएक्शन होगा क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर को उसके सॉल्ट कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर पाएगा। और जो डी है यहाँ पर भी जिंक की जो पोजीशन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो कॉपर से ऊपर है, तो इसीलिए वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पर जो दो जगह पे रिएक्शन होने वाली है वो है सी और डी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है। तो हिंदी वालों के लिए भी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं मतलब ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर सी और डी इन दोनों में ही रिएक्शन होगा, ऊपर के दोनों में नहीं होगा। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर हमको एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है। सो हम जो इजी इजी है पहले उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, तो हम जानते हैं टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, एक है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड दैट इज डायमंड और दूसरा है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वो है ग्रेफाइट। सो ए चला जाएगा 3 के साथ, राइट। अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो एक ऐसा नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो है ब्रोमीन, तो बी चला जाएगा 4 के साथ। अ मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज, तो ब्रास और ब्रोंज में ये मेटल इस्तेमाल होते हैं उनके बनने में, तो ये होता है कॉपर, सो 5 के साथ चला जाएगा सी। अ नॉन मेटल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी को प्यूरीफाई करने के लिए मतलब स्पेशली जर्म फ्री करने के लिए इस नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है, तो हम जानते हैं हम क्लोरीन टैबलेट्स का इस्तेमाल करता है, तो डी जाएगा 1 के साथ। और बच जाता है हमारा ई, अ मेटल यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम जिंक या फिर क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, बट क्रोमियम यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे जिंक के साथ ही जाएंगे, तो ई जा रहा है 2 के साथ। उस हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले देखते हैं ए जा रहा है 3 के साथ, ए 3 के साथ दो ऑप्शंस में जा रहा है, तो हमको बी पे बढ़ना पड़ेगा, बी जा रहा है 4 के साथ। सो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही उत्तर है, ए 3 बी 4 सी 5 डी 1 ई 2। ओके, सो हिंदी वालों के लिए भी जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट, सो हम क्या जान पा रहे हैं कि मेटल ए बी को डिस्प्लेस कर देता है बी के ही सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसका मतलब क्या है, ए की जो रिएक्टिविटी है वो बी से ज्यादा है। बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ए बी को बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस तो कर पा रहा है बट सी को वो नहीं कर पा रहा है, तो सी मतलब क्या है, सी ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और जो बी है, बी मेटल जो है वो डी को बी के सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो ये आ रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में इन मेटल्स का ऑर्डर कैसा है, ऐसा है। Which of the following depicts correct order of reactivity of metals? So, यहाँ पर CABD देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर है। हिंदी वालों के लिए भी CABD जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है वो इसका सही उत्तर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या कहा गया है, हमको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, सो उसके क्लू के हिसाब से हमको सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल ढूंढना है, तो बड़ा ही ईजी है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Q displaces P and S from their respective salt solution, मतलब क्या है, Q, P और S दोनों के ही आगे है उसकी लोकेशन रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब उसकी पोजीशन P और S दोनों के ही ऊपर है, इसीलिए वो P को और S को उसके salt solution से हटा पा रही है। P displaces S and R from their respective salt solution, so P क्या कर रहा है, वो S को भी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पा रहा है, एज वेल एज वो R को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। S displaces only R from its सॉल्ट सॉल्यूशन, और S सिर्फ R को ही उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से वो कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। सो विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल मतलब क्या, जो सबसे टॉप में है, मतलब जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले सॉरी सेकेंड मोस्ट मतलब जो सबसे पहले उसके बाद वाला, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव यहां पर कौन है, वो है मेटल क्यू, सेकेंड मोस्ट कौन है, वो है मेटल पी, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। हिंदी वालों के लिए भी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर है। बट देयर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा मेटल बाकी मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस
कर पाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे नीचे है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर के ऊपर आता है कॉपर, कॉपर के ऊपर आता है आयरन, और आयरन के भी ऊपर आता है जिंक। सो यहां पर कौन सा मेटल बाकी मेटल्स को उनके सॉल से डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पर जिंक की पोजीशन सबसे ऊपर है, तो जिंक आयरन को उसके सॉल से डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को उसके सॉल से डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर को उसके सॉल से डिस्प्लेस कर देगा। उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है जिंक। हिंदी वालों के लिए भी जो फोर्थ ऑप्शन है जिंक, वो इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड हूज सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मतलब क्या है, एसिडिक इन नेचर है यहाँ पे भी ये, ठीक है। सो एक एलिमेंट एक्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना रहा है, और वही ऑक्साइड जब पानी में उसका सॉल्यूशन बनता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। तो हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक होती है, और वो आगे चलकर जो सॉल्यूशन बनाएगी वो भी एसिडिक होगी और वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर सोडियम, ये तो एक मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड्स तो बेसिक होती है तो वो नहीं होगा। हीलियम एक नोबल गैस है तो वो भी नहीं होगा। कॉपर एक मेटल है तो उसकी ऑक्साइड्स क्या होगी, बेसिक होगी, ठीक है, सॉल्यूशन भी बेसिक होगा तो वो भी नहीं होगा। बच जाता है सल्फर। सो सल्फर क्या है, वो एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और उनका सॉल्यूशन भी एसिडिक होता है, इसीलिए ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सल्फर। हिंदी वालों के लिए भी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू, सल्फर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मेटल व्हिच रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 मतलब क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये मेटल हीट करने पे भी नहीं रिएक्ट करती, बट ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो हमने अपने जो प्रीवियस जो सेशन था जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मैंने इन डिटेल पूरा डिस्कस किया है उस चैप्टर को, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या जाना था कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है, इवन उसको अगर हीट दिया जाए तब भी वो रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर कॉपर इसका ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो सही उत्तर होगा। ओके, तो हिंदी वालों के लिए भी जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। मतलब ऑक्साइड्स बनने के बाद जब उसका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। सो इनमें से किनका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा, मतलब इसकी नेचर क्या हुई, एसिडिक हुई। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, वो मेटल है तो उसकी ऑक्साइड्स बेसिक होंगी। कैल्शियम क्या है, वो भी एक मेटल है तो उसकी ऑक्साइड बेसिक होगी। मैग्नीशियम क्या है, वो भी एक मेटल है तो उसकी ऑक्साइड क्या होगी, बेसिक होगी। कॉपर कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों की ऑक्साइड बेसिक है तो जो सॉल्यूशन बनेगी, एक्वस सॉल्यूशन बनेगी, वो भी क्या बनेगी, वो भी बेसिक बनेगी। बच जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, उन्हीं का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा, वो भी एसिडिक होगा, और क्योंकि एसिडिक है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देंगे। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the statement is false in the context of chromium plating? मतलब chromium plating के बारे में जो false statement है उसका चयन हमें करना है। Chromium is used for electroplating because chromium का इस्तेमाल हम electroplating में करते हैं क्योंकि it has a dull appearance। तो आप जानते हैं कि जो chromium है वो एक metal है और जो metal होते हैं वो ज़्यादातर shiny appearance के होते हैं, तो dull appearance ये जो बात है ये गलत बताई गई है। इट doesn't corrode, ये बात तो सही है। इट resists scratches, ये बात भी सही है। इट इज़ expensive टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, ये बात भी सही है। ये एक expensive काम है, क्रोमियम की मदद से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, मतलब ये थोड़ा सा expensive हो जाता है। तो 2, 3, 4 ये बात तो सही है जो कि क्रोमियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्यों किया जाता है उसको जस्टिफाई करता है, बट इसके बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है इट हैज अ डल अपीयरेंस। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ कॉपर वेसल गेट्स कोरोडेड इन रेनी सीजन टू गिव. तो ऐसा देखा गया है कि रेनी सीजन में कॉपर के जो भी वेसल्स होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीनिश कोटिंग आती है, ठीक है, मतलब वो कोरोड हो जाते हैं रेनी सीजन में. तो क्यों होता है ऐसा, क्या होता है उस ग्रीनिश कोटिंग में? सो उस ग्रीनिश कोटिंग में होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट. अगर आपने मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मैंने कंटेंट जो बनाया है, कंटेंट मतलब क्या, जहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ मैंने डिस्कस की होगी. तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप ये आंसर आराम से दे पाएंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, हिंदी वालों के लिए भी. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू. सो कॉपर का एक पीस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर आपने फिर से ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर खुद से पढ़ा होगा या फिर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, तो हम जानते हैं कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती. अगर हीट दिया जाए तब भी वो रिएक्ट नहीं करती. तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. रिएक्शन इज स्लो भी नहीं है, पॉपअप साउंड इज हर्ड भी नहीं होगा, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस भी नहीं होगा. सो इसका हिंदी वालों के लिए भी जो करेक्ट आंसर है वो है कोई अभिक्रिया नहीं होगी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मेटल पी डिस्प्लेसेस मेटल क्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. मतलब मेटल पी क्यू से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो क्यू को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पा रही है. बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल आर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. बट वो आर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से नहीं डिस्प्लेस कर पा रही है. आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब इन तीनों में से जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसका चयन हमें करना है. तो लीस्ट मतलब आगे की ओर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो पीछे की ओर है वो कौन है, लीस्ट रिएक्टिव है. तो कौन है लीस्ट रिएक्टिव, वो है क्यू. सो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा. हिंदी वालों के लिए भी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर होगा. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए. एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स विच आर हाईली रिएक्टिव विथ वाटर हैंड स्टोर्ड इन केरोसिन. वट कुड एक्स एंड वाई बी. सो एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है जो कि हाईली रिएक्टिव विथ एयर, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, हाईली रिएक्टिव, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. सो एक्स और वाई कौन है ये भी मैंने अपने नोट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. तो हम जानते हैं एक तो था सोडियम और दूसरा पोटेशियम भी है. सो सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है. फॉस्फोरस और सोडियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, वो भी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है वो, ठीक है. और यहाँ पे भी फॉस्फोरस है तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं. और सल्फर नहीं होगा, यहाँ पे सल्फर नहीं होगा. ये पोटेशियम तो ठीक था बट हमको दो ऐसे चाहिए, ओके. सो ये भी नहीं होगा. सो उस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम वो सही उत्तर है. आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर. तो इनमें से कौन सा मेटल जलने लग जाता है अगर हम इसको एयर के कॉन्टैक्ट में रखें. तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसका आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर 1. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज. सो ये एसिड बेसिस का क्वेश्चन है बट ये क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल का ही हाइड्रोक्साइड है. कौन सा मेटल है, वो मैग्नीशियम है. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंटासिड में होता है, तो एंटी एसिड के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मतलब जब हमको एसिडिटी होती है तो हमको एंटासिड दिया जाता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो उस एंटासिड में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद रहती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. तो पॉप साउंड करके कौन सा गैस बर्न करता है, तो वो है हाइड्रोजन. सो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा. बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following statements is are correct? So A, B, C में से कौन सा statement सही है? Iron can replace zinc from zinc sulfate solution. So सबसे पहले हम देख लेते हैं, zinc ना iron के ऊपर है, ठीक है, ये है zinc, ये है iron, ये है iron. So iron के ऊपर है zinc की position in reactivity series. Zinc can replace copper from copper sulfate solution. So copper iron के भी नीचे है, तो ये हुआ कॉपर. तो ये बात तो सही है. बी वाली
आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये गलत है. जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये बात तो सही हो रही है. कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कॉपर की जो पोजीशन है वो आयरन से नीचे है. तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो स्टेटमेंट बी है, ओनली बी इसका जो सही उत्तर होगा. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर ये शायद ओके ये क्वेश्चन नंबर 67 है, बट पता नहीं ये कितना नंबर क्वेश्चन है. मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सो मेटल एक्स वाई को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है. बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड, बट वो जेड को जेड के सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्स के ऊपर भी कोई एक है. वो कौन है? वो है मेटल जेड. आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है. सो पहले वाला ये मोस्ट है और वाई लीस्ट है, तो हमको मोस्ट बोला गया है, तो यहाँ पर जेड इसका सही उत्तर होगा. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. सो यहाँ पर हमको जो सही स्टेटमेंट है, जो ट्रू है, उसको ढूंढना है. ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, तो नहीं. लिक्विड मेटल भी है जो कि मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पर रहती है, तो ये तो नहीं होगा. ऑल मेटल्स आर हार्ड, सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते. जैसे सोडियम है, ठीक है, उसको हम, वो सॉफ्ट मेटल है, उसको हम नाइफ से काट सकते हैं. ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सभी नॉन मेटल्स गैसेस है, ऐसा तो नहीं है. ब्रोमीन जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहता है, वो एक नॉन मेटल है. ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये बात सही है. जो नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल है, मतलब हम नॉन मेटल्स को वायर के फॉर्म में नहीं बना सकते. तो ये इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक इज. सो एक नॉन मेटल जो कि पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन में उसका इस्तेमाल होता है, और ये सॉल्यूशन कहाँ पे लगाया जाता है? घाव में लगाया जाता है, क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक जो है फंक्शन है. तो हमने ये वाला भी अपने उस कंटेंट वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में मैंने सुंदर से एक चार्ट जैसा बना दिया था. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आयोडीन, क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन टिंचर का इस्तेमाल भी हम करते हैं ना घाव वगैरह पे लगाने के लिए. तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो होगा आयोडीन. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फीजिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, क्यों ऑप्शन नंबर 3 है? क्योंकि जो जिंक है उसका जो पोजीशन है वो कैल्शियम के बाद आता है रिएक्टिविटी सीरीज में. तो जिंक कैल्शियम को उसके सल्फेट सॉल्ट से नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा. ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 है. बाकी जो भी है ये रिएक्शन होगा. ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि आयरन का जो लोकेशन है वो लेड के ऊपर है, तो आयरन लेड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा. वैसे ही एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर के ऊपर सिचुएटेड है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम भी कॉपर को कॉपर के सल्फेट सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा. और जो यहाँ पर मैग्नीशियम है वो भी जिंक के ऊपर सिचुएटेड है, तो मैग्नीशियम विल ऑल्सो डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स जिंक सल्फेट. ठीक है, सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है. अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसा कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको जो मैं डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें. ओके, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर.